Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Mamta Agrawal and अगर आप इस चैनल पे न्यू हो then please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना the red button below और सब्सक्राइब बटन हिट करना बिल्कुल फ्री है. So यार जैसे कि आप सबने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की पूरी वीडियो किस पर रहने वाली. आज की जो पूरी वीडियो वो हेयर केयर के ऊपर. इन द सेंस आज है डे 12 और 15 डेज टू हेयर ग्रोथ और हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज स्पेशली फॉर मानसून, क्योंकि मानसून में हमें बहुत ज्यादा हेयर रिफॉर्म्स देखनी पड़ती है. Right from slow hair growth, hair fall, dryness, itchiness, pretense, oily scalp and ऐसे बहुत सारे problems जिनका हमें permanent solution नहीं मिलता. तो बस उसी सबको cure करने मैं आ गई हूँ इस 15 days की challenge के साथ, that too with natural and home remedies. So guys, without any further ado, let's get started. यार आज है day 12. लेकिन day 12 पे move on करने से पहले अगर आपने day 1 to day 11 की video checkout नहीं की होगी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे, सो दैट आप चेकआउट कर सको. एंड आपको मैं एक प्लेलिस्ट भी दे दूंगी सो दैट आपको पता चले कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैंने क्या यूज किया है, क्या रेमेडी यूज किया है एंड आप उसे फॉलो कर सको. तो डे 12 पे हम बनाएंगे एक DIY हेयर टोनर. हेयर टोनर आपके स्कैल्प के डीप तक जाता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर को स्मूथ बनाता है, शाइनिंग बनाता है, आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, आपके इची स्कैल्प को ट्रीट करता है. एड एस इन में आपके हेयर को स्मूथ बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इसलिए हम एक हेयर टोनर प्रिपेयर करेंगे. तो इस हेयर टोनर को प्रिपेयर करने के लिए जो मैंने फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स में यूज किया है दैट इज मेथी सीड्स और फेनुग्रीक सीड्स. फेनुग्रीक छोटे छोटे दाने में इतने ज्यादा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम इतने ज्यादा प्रेजेंट होते हैं कि वो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, आपके हेयर फॉल को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, आपके हेयर को स्मूथ बनाने में हेल्प करते हैं, आपके स्प्रिंट्स को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, आपके हेयर को लॉन्ग, शाइनी, लस्ट्रस बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है एंड ये बहुत ज्यादा इजिली अवेलेबल भी होता है. इसलिए जो हमने फर्स्ट इंग्रेडिएंट में यूज किया दैट इज फेनुग्रीक सीड्स. सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें यूज किया दैट इज ब्लैक टी, यानी कि काली चाय पत्ती. काली चाय पत्ती में प्रेजेंट होता है कैफीन जो आपके हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, आपके हेयर फॉल को रोक देता है, आपके हेयर को शाइनी बना देता है, आपके हेयर को लॉन्ग बनाने में हेल्प करता है. एट द सेम टाइम आपके डैंड्रफ को भी क्योर करने में हेल्प करता है. इसलिए जो हमने सेकंड इंग्रेडिएंट में यूज किया दैट इज ब्लैक टी और काली चाय पत्ती. तो बस इन्हीं दो चीजों को यूज करके मैंने अपना DIY हेयर टोनर प्रिपेयर किया. सो गाइस देख लेते हैं ना कि इस हेयर टोनर को प्रिपेयर कैसे करना है, एड द सिंडम उसका एप्लीकेशन. सो यार इस हेयर टोनर को प्रिपेयर करने के लिए आपको एक बाउल में ऐड करना है 1 glass ऑफ वाटर, देन इसमें आपको ऐड करना है 1 tablespoon फेनुग्रीक सीड्स एंड देन इसमें आपको ऐड करना है 1 tablespoon ब्लैक टी लीव्स एंड इसे कर लेना अच्छे से बॉइल. जब ये अच्छे से बॉइल हो जाए ना कि उसका जो कलर है वो चेंज होता है, वो देखते हैं ब्लैक, मतलब आपका जो हेयर टोनर है वो प्रिपेयर हो गया है. अब आपको इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है. जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब आपको यूजिंग स्ट्रेनर इसे छान लेना है. आप चाहो तो टी लीव्स और जो फेनुग्रीक सीड्स है जो ऊपर बचा हुआ है उसे एज अ पेस्ट बना के भी यूज कर सकते हो एंड योर हेयर टोनर इज रेडी. अब बारी आती है एप्लीकेशन की. तो एप्लीकेशन से पहले आपको अपने हेयर को प्रॉपरली डिटैंगल करना है. अगर हेयर डिटैंगल नहीं रहेंगे तो आपके जो हेयर टोनर है वो स्कैल्प के डीप तक नहीं जाएगा, इसलिए आपको हेयर डिटैंगलिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. अच्छे से डिटैंगल करने के बाद आपको इस हेयर टोनर को एज अ रिंस यूज़ करना है, आइदर आपको इसे स्प्रे करना है, बट मैं पर्सनली यहाँ पे एज अ हेयर रिंस यूज़ कर रही हूँ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है टू इम्प्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन. इस हेयर टोनर को आपको अच्छे से अप्लाई करना है एंड देन 5 minutes की मसाज देनी है. ब्लैक टी में होता है कैफीन तो वो प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है. अच्छे से मसाज करने के बाद आपको इसे सिक्योर कर लेना है इनटू अ बन फॉर 2 hours एंड 2 hours करके आपको शैम्पू एंड कंडीशनर करना है. हेयर टोनर को प्रिपेयर करना एट द सेम टाइम उसका एप्लीकेशन कितना ज्यादा इजी एंड क्विक था. गाइस इस हेयर टोनर को डेफिनेटली प्रिपेयर करना. ब्लैक टी हर किसी के घर पे अवेलेबल होगा, अगर नहीं भी होगा तो आप उसकी जगह ग्रीन टी भी यूज कर सकते हो एंड उसे एज अ टोनर यूज करना, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है. आप इसे यूज करना एंड अगर आपको लगता है कि आपको हेयर वॉश करना चाहिए तो ही करना, अदरवाइज ऐसे ही रहने देना, आपको हेयर वॉश करने की कोई जरूरत नहीं. नेक्स्ट डे हम वैसे भी हेयर वॉश करने ही वाले हैं, इसलिए एक दिन तो सहना बनता है. कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस वही है. आपको अच्छे से एप्लीकेशन कर लेना है एंड देन इसे ऐसे ही रहने देना है एंड नेक्स्ट डे हम इसे वॉश करेंगे ताकि हम पता तो चल सके ना कि हमारे हेयर कितने ज्यादा स्मूथ, शाइनी एंड मैनेजेबल लग रहे हैं. सो गाइस आप इसे डेफिनेट ट्राई करना एंड इफ यू आर ट्राइंग देन प्लीज लेट मी इन कमेंट सेक्शन. सो गाइस आज की वीडियो तो बस ये देखती. वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना. चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो से. टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.